नियोमी का घर परमेश्वर ने क्यों फिर से बसाया, उसका कारण क्या था? क्योंकि उसकी जो दो बहुएं थी, ओपरा और रूथ, ओपरा ही नाम था ना, ओपरा और रूथ, जब उसके दोनों बेटे मर गए तो उसने कहा तुम बेटियों जाओ अपने अपने घर, अपने अपने मायके चले जाओ। उसने कहा नहीं, क्योंकि उसकी दोनों जो बहुएं थी, जिसे हम नो रानी बोलते हैं ना, नो नो, उसकी जो दोनों बहुएं थी अपनी सास से इतना प्रेम करती थी, क्या करती थी, वो कहती नहीं हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसने कहा अब तुम अपने अपने मायके चले जाओ, मैं अपने देश वापस चली जाऊंगी, वहीं पे क्या चली जाऊंगी, मैं वहीं पे चली जाऊंगी, तुम अपने अपने मायके अपने अपने घर चली जाओ। वो बहुत रोई, कहते नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। तो उसने कहा कि अब ना तो मेरा पति है और ना मेरी कुक में और बच्चे हैं, जो तुम उनके सियाने होने तक तुम वेट करो, मैं फिर से तुम्हारी उनकी उनके साथ शादी कराऊं। तो उसने कहा मेरी बहू ऐसे नहीं हो सकता, मेरा दुख तुम्हारे दुख से बड़ा है, मेरे दुख से भी तुम्हारा दुख बड़ा है, मेरे दुख से भी तुम्हारा दुख बड़ा है, तुम चले जाओ। लिखा फिर ओपरा ने तो अपनी सास को चूमा और वो चलेगी, पर रूथ ने नहीं छोड़ा। वो रूथ, बोलो क्या है, वो रूथ जो देवताओं को मानने वाली थी, देवताओं की पूजा करने वाली, बोलो क्या थी, वो रूथ जो देवताओं की मूर्ति पूजा करने वाली एक औरत थी, दोनों थी। पर जब नियोमी के परमेश्वर के बारे उसने सुना, उसने कहा नहीं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, आज का रिश्ता और उस समय का रिश्ता। एक वो मोआबन स्त्री जो रूथ, जो देवताओं की पूजा करने वाली थी, मूर्ति पूजा करने, पर जब उसने नियोमी के परमेश्वर को और उसे नहीं छोड़ा, इसी कारण रूथ पर खुदा का अनुग्रह आया और रूथ के द्वारा नियोमी का परमेश्वर ने फिर से घर बसाया, क्योंकि रूथ के वंश से ही नियोमी का वंश आगे चला। अगर आप पूरी स्टोरी पढ़ोगे, बोलो क्या पढ़ोगे, रूथ की, अगर आप 3-4 अध्याय की 5 तक पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो रूथ को और नियोमी को फिर से परमेश्वर ने बड़ा ब्लेस कर दिया। अगर आज एक सास ब्लेसिंग चाहती है, एक नो एक बहू अपनी ब्लेसिंग चाहती है, तो सबसे पहले जो उनका रिश्ता वो कैसे होना चाहिए। आज क्यों दुख है, क्यों लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है, क्यों बीमारियां हैं, क्योंकि सबसे उत्तम प्रेम है वो नहीं है, बोलो क्या है, वो नहीं है। मैं हमेशा आपको अपनी गवाही देता हूं, सुनी ना आपने, कि मैं सबसे प्रेम करता था, पूरी दुनिया से प्रेम करता, पर मेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति था जिससे मैं प्रेम नहीं करता, और मैं जानता था वचन पूरा नहीं होगा, बोलो क्या है, मैं जानता था वचन पूरा नहीं होगा। अगर तुम ब्लेसिंग चाहते हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं सास पर दोष लगा रहा हूं या किसी बहुरानी पे लगा रहा हूं, मैं दोनों के लिए वचन है। अगर वो रूथ और नियोमी के जीवन के बारे जानती है तो उनका प्रेम था, अगर नियोमी अपनी बहुओं से प्यार करती थी तो उससे ज्यादा प्यार उसकी बहुएं भी उसे करती थी। इसीलिए रूथ ने इतने बड़े दुख के कारण भी, जिसे कोई आशा नहीं थी, अब ना तो उसका कोई, हाँ अब जहां तो वो किसी पराए मर्द के साथ क्या करती, अपनी लाइफ अपने ढंग से जीती, पर उसने कहा नहीं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा दुख मेरा दुख, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू रहेगी जैसा तू खाएगी। हाँ आज की बहुएं अगर आज किसी के घर में दुख आ जाए तो क्या करेंगे। पर रूथ की स्टोरी के, उसके जीवन के बारे देखो, क्या देखो, उनके प्रेम के बारे देखो। इसीलिए बोलो क्या है, इसीलिए वो अनुग्रह फिर से, बोलो क्या है,
रूत के द्वारा परमेश्वर नियोमी के परिवार के ऊपर आया और नियोमी को फिर से उसके घर को बसाकर परमेश्वर ने फिर से उसे लाखों की करोड़ों की आशीष दी। आमीन।